हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सी टेट लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत टॉपिक आप देख ही रहे हैं, गणित की भाषा चला है, जिसका लेक्चर तीसरा है गणित की भाषा पार्ट से, और ये अंतिम लेक्चर है ये टॉपिक समाप्त होने में। ध्यान देना, अगला हेडिंग मैंने किया है रोल ऑफ मैनिपुलेटिव्स इन मैथमेटिक्स, गणित में जोड़ तोड़ की भूमिका। अब ये जोड़ तोड़ का सेंस समझिएगा थोड़ा सा। आप देखते हैं कि जब कक्षा में बालक प्रवेश करता है या कक्षा में जब बालक आता है, तो अध्यापक बालकों को प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नए ज्ञान से अवगत कराता है। तो जब अध्यापक कक्षा में बालकों को नए ज्ञान से अवगत कराए और उसको जोड़ तोड़ की भूमिका के द्वारा समझाया जाए, जोड़ तोड़ की भूमिका मतलब पहले बालक को कोई मूर्त पदार्थ दिखाए, जैसे कोई गणितीय कॉन्सेप्ट देना है तो पहले कोई मूर्त पदार्थ वस्तु ये सभी दिखाए, और फिर वहां से जोड़ते तोड़ते बालक के दैनिक भाषा से और फिर कॉन्सेप्ट तक पहुंचे, तो बालक तथ्यों को जल्दी सीखता है। क्योंकि आप जानते हैं कहानी ही एक ऐसा स्रोत है जिनसे बालक तथ्यों को, निष्कर्षों को या फिर सिद्धांत को, सूत्र को, नियम को बहुत जल्द सीखते या समझते हैं। आपने प्राथमिक स्तर पर कुछ कहानियां पढ़े होंगे जिसमें आप कई ज्ञान प्राप्त किए होंगे। तो जोड़ तोड़ की भूमिका क्या है, पहले एक कहानी के माध्यम से इसे समझ लीजिए। प्राचीन समय में एक राजा थे, ये बगीचे में टहल रहे थे और उनके कान में एक संस्कृत का श्लोक सुनाई दे रहा था जो कि बाहर से आ रहा था, जिसका शाब्दिक सेंस था, अर्थ था कि यदि किसी व्यक्ति के पास अकूत संपत्ति हो, कुछ संगति हो या फिर खराब नेचर हो, स्वभाव हो, तो व्यक्ति का नाश होना तय है। राजा उस समय चिंतित हो गए क्योंकि इनके चार पुत्र थे और चारों में ये सभी दोष थे, संपत्ति की कोई कमी थी नहीं, राजा ही थे, कुसंगति भी थी और खराब आचरण भी था। तो राजा ये चिंतित हुए कि कहीं हमारा बना बनाया साम्राज्य ये बच्चे हमारा विनाश न कर दें। बच्चों को लेकर काफी चिंतित थे, उन्होंने राज्य में अनाउंसमेंट कराया कि जो सबसे बड़े विद्वान हों आए, बच्चों को शिक्षा दें, ढेर सारी संपत्ति उन्हें दी जाएगी। तो संपत्ति के लालच में कई विद्वान आए लेकिन उदंड बच्चों के आगे वो टिक नहीं पाए। दो तीन दिन के बाद सभी टीचर भाग जाते थे, सभी विद्वान भाग जाते थे। एक विद्वान का फिर आगमन हुआ, ये बच्चों को देखकर उनके स्वभाव को समझ गए, तो उन्होंने बच्चों से पढ़ाई की बात नहीं की। इन्होंने कहा कि चलिए बालक बच्चों, बगीचे में हम लोग घूमते टहलते हैं, पढ़ने लिखने में क्या रखा है। बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि ये गुरु तो हमारे बिल्कुल स्वभाव से ही मिलते जुलते हैं। बच्चे खुश हुए, उनके साथ गए और ये गुरु वहां पर जब पहुंचे तो कहानियों के माध्यम से एक ज्ञान दे दिए। फिर अगले दिन फिर कहानियों की भूमिका बनाए, फिर ज्ञान, नया ज्ञान। प्रत्येक दिन ये विद्वान कुछ न कुछ नए ज्ञान देते रहते थे कहानियों के माध्यम से। अब बालकों को अपने गुरु का इंतजार रहने लगा, बालक अब खुद ही वेट करने लगते थे कि अब हमारे गुरु आए और हमें कहानी सुनाए। देखिए, बालकों की मानसिकता भी कहानी पर है और वो गुरु जो है वो कहानियों के माध्यम से हर दिन नए ज्ञान देते रहते थे और यही बालक आगे चल के बहुत विद्वान हुए। ये कहानी, ये कोई गुरु अन्य नहीं, आपने पढ़ा होगा, ये विष्णु शर्मा थे और इनकी लिखी कहानी आप पंचतंत्र में पढ़े होंगे। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि बालक कहानियों के माध्यम से तथ्यों को सीखते बहुत जल्द है। तो यहाँ पर जोड़ तोड़ की भूमिका का मतलब ही है कहानी के द्वारा। मतलब यदि बालकों कोई कॉन्सेप्ट, सिद्धांत या नियम आदि दिए जाएं, तो पहले उन्हें कक्षा में कोई नया ज्ञान देने से पहले कोई मूर्त पदार्थ दिखाई जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि बच्चों को कक्षा में हम उन्हें प्रत्येक दिन नया अनुभव देते हैं, यदि बच्चों को स्थूल अनुभव कक्षा में दिया जाए और जोड़ तोड़ की अनुभवों से को सीखने का अवसर दे। जोड़ तोड़ का अनुभव मतलब जैसे खिलौने के माध्यम से ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को दिखाकर आदि, मतलब कुल सेंस यहाँ पर निकलता है। कहानियों के माध्यम से बालक को बताया जाए तो बालक उस मूर्त पदार्थ को देखकर अपने सेंस का प्रयोग करके
अपने सीखने की यात्रा को शुरू करता है। तो चलिए हम यहां से देखते हैं कि गणित भाषा में जोड़ तोड़ की भूमिका क्या है, उसका उदाहरण क्या है, तथ्यों को कैसे पढ़ाया या सिखाया जाए। तो इसके कुछ मैं एग्जाम्पल रख रहा हूं कि कोई कॉन्सेप्ट देना हो तो उसका सही सीक्वेंस क्या है। जब आप प्रीवियस पेपर हल करते होंगे तो आपने कई सेट पेपर में आपने देखा होगा जिसका सही सीक्वेंस लिखना होता है कि अध्यापक यदि कोई पार्ट पढ़ा रहे हैं तो उसको किस सीक्वेंस में पढ़ाएं कि बालक आसानी से सीख सके। तो यहाँ पे हम स्टेप सीखेंगे और ये जो तीन कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा आपके परीक्षा में प्रश्न इनसे बने हैं, आप प्रीवियस सेट से मिलान करिएगा। तो चलिए हमारा हेडिंग तो यही है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं जोड़ तोड़ की भूमिका का। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां से ले रहा हूं, प्रश्न क्या प्रश्न तो जैसे हम ये कह दें कि कक्षा कक्ष में गणित की भाषा को विकसित करने के लिए, कक्षा कक्ष में गणित की भाषा को विकसित करने के लिए गणितीकरण की भाषा का सही अनुक्रम होगा डैश, मैंने यहां पर देखिए प्रश्न जब आपसे पूछा जाता है तो ये जो मैंने भूमिका बनाया है ये आपके प्रश्न सेंस में होगा कि कक्षा कक्ष में गणित की भाषा को विकसित करने के लिए जो गणितीकरण की भाषा है उसका सही अनुक्रम इन सीक्वेंस क्या होगा। तो यहां पर मैं चार स्टेप लिख रहा हूं, जो ऑप्शन आप में दिए होते हैं वो सीक्वेंस आगे पीछे दिया होता है, आपको सीक्वेंस को सही सेट करना होता है कि कैसे तथ्यों को सिखाया या पढ़ाया जाए समझाया जाए। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा प्रतिदिन की भाषा, और इसके बाद आएगा गणितीय समस्या की भाषा, गणितीय समस्या की भाषा। इसके बाद का सीक्वेंस होना चाहिए समस्या को हल करने की भाषा, समस्या को हल करने की भाषा। और यहां पर लास्ट स्टेप जो होगा हमारा यह होगा प्रतीकात्मक भाषा। चलिए यहां से देखें, जैसे कक्षा कक्ष में गणित की भाषा को विकसित करना है, बालकों को तथ्यों को सिद्धांतों को नियमों को बताना है, तो गणितीकरण की भाषा का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए, और ऑप्शन में जो चार ऑप्शन दिए होंगे इसमें ये सीक्वेंस आगे पीछे होगा, सही सीक्वेंस आपको ये एक दिया रहेगा ऑप्शन में। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा दे रहा हूं। जैसे हमें कोई गणित की समस्या को हल कराना है तो सबसे पहले डायरेक्ट समस्या की बात न की जाए, पहले गणितीय समस्या की भाषा न समझाई जाए, गणितीय समस्या की भाषा को समझाने से पहले उसको उसकी प्रतिदिन की भाषा से व्यवहारिक भाषा से उस समस्या को जोड़ने का प्रयास किया जाए। पहले व्यवहारिक भाषा जो बालक प्रतिदिन प्रयोग करता है ना, और उसके बाद फिर उससे जोड़ा जाए गणितीय समस्या की भाषा को। और यहां से जब बालक गणितीय समस्या की भाषा को जोड़ सकेगा तो फिर उस समस्या को हल कैसे किया जाए उसे बताया जाए, और समस्या को हल करने के बाद यहां पर एक निष्कर्ष निकलेगा और उस निष्कर्ष को हम चिन्हों के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, यहां से सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस पार्ट को स्पष्ट कराने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैथ्स का। जैसे हम ये कह दें कि एक दुकानदार एक दर्जन पेंसिल 2 रुपए प्रति पेंसिल की दर से खरीदता है, की दर से खरीदता है, वह 4 पेंसिल को 1.5 रुपए
प्रति पेंसिल तथा शेष को 2.5 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचता है तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, चलिए यहां से ध्यान देना, हमें बताना है कि इस स्थिति में बालक को कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। हमें लाभ या हानि की अवधारणा समझाना है, हमें जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो लाभ या हानि की, कि लाभ कैसे निकाला जाता है या फिर हानि कैसे निकाला जाता है। तो लाभ या हानि का कॉन्सेप्ट बताना है तो कहीं ऐसा सूत्र पहले आप नहीं बताइए कि लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है या हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय। ये प्रतीकात्मक भाषा तो लास्ट में बताएंगे, प्रतीकात्मक का मतलब जो सूत्र या सिद्धांत निकल कर आते हैं कि इतना बराबर इतना है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमें बाद में बताना। पहले क्या, लाभ या हानि के अवधारणा को समझाने के लिए सबसे पहले अध्यापक को प्रतिदिन की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब प्रतिदिन की भाषा क्या है, बालक खरीदारी तो घर पर करता ही होगा, क्योंकि अभी ध्यान देना, अब ये पहली स्टैंडर्ड का तो बालक है नहीं, लाभ हानि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब वो पांचवीं छठवीं स्टैंडर्ड में या जो भी है, तो बालक तो खरीदारी तो करता ही होगा। अब उसको उसकी भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए, प्रतिदिन की भाषा। देखिए कैसे, जैसे हमने आपसे ये कहा कि ये पेन हमने 5 रुपए में खरीदा है, ये पेन हमने कितने में खरीदा, 5 रुपए में, और 8 रुपए में बेच दें, तो इस स्थिति में क्या होगा, आप निश्चित बताएंगे कि लाभ ही होगा, क्योंकि हमने खरीदा 5 में है और बेच कितने में रहे हैं, 8 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहां पर विक्रय मूल्य खरीदे गए मूल्य से ज्यादा है, 5 में खरीदे हैं 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो डेफिनेट तौर पर उसे लाभ ही होगा, और यह लाभ कितने रुपए का होगा, 3 का। तो यहां से बालक ये समझ पाया कि यदि विक्रय मूल्य खरीदे गए मूल्य से ज्यादा है तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। यदि मैं आपसे ये कहूं कि इस पेन को हमने 5 रुपए में खरीदा है और बेच रहे हैं 4 रुपए में, तो 5 में खरीद कर 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहां पे हानि होगा, वह हानि कितने का होगा, 1 रुपए का। तो खरीदे 5 में है, बेच रहे हैं 4 में, तो विक्रय मूल्य कम पड़ गया किससे, खरीदे गए मूल्य से। तो यदि विक्रय मूल्य खरीदे गए मूल्य से कम हो तो यहां पे क्या होगा, हानि। तो लाभ या हानि को हमने समझाने का प्रयास किया बालक के प्रतिदिन की भाषा से। अब उस प्रतिदिन की भाषा को गणितीय समस्या की भाषा बनाई जाए। बालक ने अभी जो लाभ हानि समझा है उस प्रतिदिन की भाषा को, तो प्रतिदिन की भाषा को अब कन्वर्ट किया जाए गणितीय समस्या की भाषा। अब समस्या क्या है, दुकानदार 1 दर्जन मीन्स 12 पेंसिल खरीदता है 2 रुपए पर पेंसिल की दर से। तो पहले हम ये देखें कि दुकानदार ने 12 पेंसिल खरीदा कितने में। देखिए सिंपल सी बात है, लाभ या हानि हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमें खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य दोनों नहीं पता हो। तो बालक को पहले जो प्रतिदिन की भाषा समझाए गणितीय समस्या की भाषा में कन्वर्ट कराएं। कैसे, कि सबसे पहले हम देखने का प्रयास करें कि 12 पेंसिल को दुकानदार ने कितने में खरीदा और फिर बेचा कितने में। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 पेंसिल को वह 1.5 रुपए पर पेंसिल की दर से बेचता है और शेष को, अब शेष कितना बचा, 4 पेंसिल को 1.5 की दर से बेचा तो अभी शेष 8 पेंसिल उसके पास है, तो 8 पेंसिल को 2.5 रुपए पर की दर से बेचता है। तो पहले हम ये देखें कि 12 पेंसिल खरीदा कितने में और 12 पेंसिल बेचा कितने में। तो ये प्रतिदिन की भाषा को हमने जोड़ने का प्रयास किया गणितीय समस्या की भाषा से। अब समस्या को हल करने की भाषा को समझाया जाए, देखिए कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले ये देखें कि 12 पेंसिल का खरीद मूल्य कितना है। चलिए देखिए, तो 1 दर्जन 12 पेंसिल खरीदता है 2 रुपए पर पेंसिल की दर से, तो 2 रुपए की दर से 12 पेंसिल का खरीदा गया मूल्य कितना हुआ, 2 रुपए की रेट से 12 पेंसिल का खरीदा गया मूल्य कितना हुआ, 24 रुपए। अब प्रयास कीजिए कि बेचा कितने में, यह जानने का प्रयास कीजिए। तो आगे देखिए प्रश्न में लिखा है वह 4 पेंसिल को 1.5 रुपए पर की दर से बेचता है। तो पहले अब निकाल लीजिए 4 पेंसिल का विक्रय,
चार पेंसिल का बिक्रे, तो चार पेंसिल को डेढ़ की रेट से बेचा है, तो डेढ़ की रेट से चार पेंसिल का बिक्रे कितना हुआ? ध्यान देना, डेढ़ की रेट से चार पेंसिल का कितना हुआ? 6 रुपए। तथा शेष को, देखिए 12 पेंसिल में चार पेंसिल तो बेच चुका है 6 रुपए में, अब शेष कितने हैं? चार पेंसिल बेच चुका है 12 में, तो शेष कितने हैं? 8 पेंसिल। तो इस 8 पेंसिल का विक्रय क्या होगा ये जानने का प्रयास कीजिए। तो 8 पेंसिल को वह बेचता है 2.5 रुपए पर की दर से, तो 2.5 की रेट से 8 पेंसिल का विक्रय कितना हुआ? 20 रुपए। अब देखिए, चार पेंसिल को 6 में बेचा है 6 रुपए में, और 8 पेंसिल को बेचा है 20 रुपए में, तो 4 और 8 ये जोड़ ले मतलब कितने पेंसिल हो गए? 12 पेंसिल। तो 12 पेंसिल को कितने में बेचा? 12 पेंसिल का विक्रय कितना हुआ? 4 पेंसिल को 6 रुपए में, बचे 8 पेंसिल को 20 रुपए में, मतलब 12 पेंसिल को कितने में बेचा? 26 रुपए में। अभी देखिए, 12 पेंसिल को खरीदा कितने में था? 24 रुपए में, और 12 पेंसिल को बेच कितने में रहा है? 26 रुपए में। खरीदा 24 में है, बेच रहा है 26 में, तो अब यहां पर क्या होगा? डेफिनेट आप बताएंगे लाभ होगा, क्योंकि अभी निष्कर्ष हमने प्रतिदिन की भाषा से निकाला था कि यदि बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से ज्यादा हो जाए, तो बेचा गया मूल्य 26 है और खरीदा गया मूल्य 24 है, तो विक्रय मूल्य इस खरीद से ज्यादा है, तो डेफिनेट लाभ होगा। अब इस लाभ को प्रतीकात्मक भाषा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, तो लाभ का जो प्रतीकात्मक भाषा होगा वो क्या होगा? प्रतीक मतलब चिन्हों की भाषा। तो क्या करेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय माइनस क्रय, तो विक्रय है 26 और खरीदा गया मूल्य 24, मतलब यहां पर फायदा कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ? 2 रुपए का। तो कहने का मतलब यह है कि कक्षा कक्ष में यदि गणित पढ़ाया जा रहा है और गणित की भाषा को विकसित करना है, तो गणितीकरण की जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ये जो प्रतीकात्मक भाषा है, सूत्र वाली भाषा, ये लास्ट में समझाया जाए, पहले कोई भी नियम सूत्र या सिद्धांत बतलाया जाए उसके लिए प्रतिदिन की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और उसके बाद उस प्रतिदिन की भाषा को गणितीय समस्या की भाषा बनानी चाहिए, और जब प्रतिदिन की भाषा को यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाए तो फिर देखा जाए हल कैसे किया जाए, उस समस्या को हल करने की भाषा बतलाई जाए, और लास्ट में प्रतीकात्मक भाषा। तो ये सही सिक्वेंस मिलाने के लिए आपके परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो ये सही सिक्वेंस आप एक आपने देखा, एक दो और देख लीजिए, वहां से आप खुद ही उत्तर करना सीख जाएंगे। और एक सीक्वेंस तो मैंने आपको पहले जो दिया था, एल्पस सीक्वेंस, ELPS, पैमेला लिबेक का, उस सीक्वेंस को भी आप ध्यान देना, क्योंकि गणितीकरण की भाषा में भी उसका ज्यादातर प्रयोग होता रहा है। चलिए एक और अन्य एग्जाम्पल यहां से लेते हैं। जैसे मान लिया अध्यापक मापन पढ़ा रहे हैं या फिर भार पढ़ा रहे हैं, है ना, या तौल वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो ये सभी मापन, भार या तौल, ये हमें मान लिया कक्षा में पढ़ाना है, तो इसके लिए गणितीकरण की भाषा क्या होनी चाहिए? ध्यान देना, मापन, भार या तौल की अवधारणा, अवधारणा मीन्स होता है कॉन्सेप्ट, संकल्पना की अवधारणा को समझाने के लिए गणितीकरण की भाषा का सही अनुक्रम होगा। अब सही अनुक्रम क्या होना चाहिए इस पर ध्यान देना, तो यहां पर स्टेप में लिख रहा हूं, विभिन्न वस्तुओं से अवगत कराना, विभिन्न वस्तुओं से अवगत कराना का सेंस क्या है? एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, साकार वस्तुओं के साथ अनुभव, ताकि बालक पहले देखे समझे और तब उसको, पहले बालक को, जैसे मान लिया पहले सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं इसके बाद फिर समझा रहा हूं। आपने पहला स्टेप लिखा है कि विभिन्न
वस्तुओं से अवगत कराना, इसके बाद ये आएगा माप के लिए अप्रमाणिक इकाई का प्रयोग करना, माप के लिए अप्रमाणिक इकाई का प्रयोग। इसके बाद आएगा प्रमाणिक इकाई का प्रयोग, प्रमाणिक इकाई का प्रयोग, और लास्ट में आएगा मीट्रिक इकाई का प्रयोग। तो बस इतना ध्यान देना, प्रमाणिक इकाई का प्रयोग सदैव अप्रमाणिक इकाई के बाद किया जाना चाहिए। प्रमाणिक इकाई का प्रयोग सदैव अप्रमाणिक इकाई के बाद किया जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? प्रमाणिक इकाई और अप्रमाणिक इकाई होता क्या है, चलिए यहां एक तथ्य से समझिएगा। जैसे मान लिया हमें मापन पढ़ाना है या भार या तौल, चलिए मैं मापन को बेस ले रहा हूं, तो सबसे पहले इनमें से कोई कॉन्सेप्ट बताने के लिए पहले बालकों को विभिन्न वस्तुओं से अवगत कराए, ताकि बालक पहले इकाइयां समझने का प्रयास करे। जैसे धारिता, जो लिक्विड है, लिक्विड को मापने की इकाई अलग होती है, भार वजन मापने की इकाई हमारी अलग होती है, और दूरी मापने की इकाई अलग होती है। तो पहले ये बालक को विभिन्न वस्तुएं दिखाया जाए, तब बताया जाए किसको किस में मापा जाता है। जैसे कहीं ऐसा ना हो कि वो लीटर में मापने लगे कि एक लीटर में कितना दूरी होता है, तो लीटर में तो दूरी होगा नहीं। पहले विभिन्न वस्तुओं को पहले सत्यापित कराया जाए, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। इसका सेंस ये होता है कि पहले साकार वस्तु, मतलब बालक पहले देखकर अनुभव करे, कि जैसे हमने बालक को दिखाया कि ये पानी है, तो पानी को तो लंबाई इसमें तो दूरी होगी नहीं, ये तो धारिता होगा, वॉल्यूम होगा, ये स्थान घेरने का प्रयास करेगा, तो इसको कैसे मापते हैं। या जैसे कोई भार है, वजन है, जैसे बच्चे का बैग है, तो बैग का वजन तो लीटर वगैरह में निकालेंगे नहीं, वो तो तरल पदार्थ है नहीं। या फिर हमें लंबाई मापनी है, तो पहले बालक को विभिन्न वस्तुओं को दिखाइए, ताकि वो समझ सके कि इसकी इकाई क्या है, और उसके बाद क्या करें, माप के लिए फिर अप्रमाणिक इकाई का प्रयोग करें। अप्रमाणिक इकाई में यह तो पता हो जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन यह पता नहीं होता कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो अप्रमाणिक इकाई में केवल इतना पता चल पाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और प्रमाणिक इकाई में यह पता चल जाता है कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे हमने मापन के लिए पहले, चलिए डिस्टेंस ही मैंने लिया, दो क्रमागत किलोमीटर पत्थर लिया। जैसे किलोमीटर को हमें रिप्रेजेंट करना है, और किलोमीटर से कई अवधारणा निकालना है, कि किलोमीटर की अवधारणा हमें इस तरीके से समझाना है कि बालक किलोमीटर को मीटर में बदल सके, हेक्टोमीटर में बदल सके, डेकामीटर में बदल सके। तो इसके लिए सबसे पहले बालक को अप्रमाणिक इकाई बताएं, मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे किलोमीटर से छोटा क्या आएगा, देखिए अप्रमाणिक में केवल इतना पता चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा, जैसे किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से छोटा क्या होगा डेकामीटर, और डेकामीटर से छोटा क्या होगा मीटर। तो अप्रमाणिक इकाई में बस इतना पता चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा, जैसे ये सबसे बड़ा किलोमीटर है, अब उससे छोटाएंगे तो हेक्टोमीटर आएगा, उससे छोटाएंगे तो डेकामीटर आएगा, और उससे भी छोटा आएंगे तो मीटर आएगा। ये अप्रमाणिक इकाई है। अभी ये नहीं हमें पता चला है कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, अप्रमाणिक में बस इतना पता चल जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब विभिन्न वस्तुओं को दिखाने के बाद जब हमने अप्रमाणिक इकाई का प्रयोग कर लिया, तो उसके बाद प्रयोग किया जाए प्रमाणिक इकाई। प्रमाणिक इकाई में यह बतलाया जाता है कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है। जैसे अब किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना हो, तो इसकी प्रमाणिक इकाई क्या होगी, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलने के लिए अब प्रमाणिक इकाई क्या होगा, ध्यान देना, एक किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना हो तो 10 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 10 से, एक किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर।
और एक किलोमीटर को जब डेका मीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, मतलब जितने खाने आगे जाएंगे उतना जीरो बढ़ाते जाएंगे। किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा करेंगे। तो इसकी प्रमाणिक इकाई हुआ कि एक किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। अब एक किलोमीटर को डेका मीटर में बदलना है तो एक किलोमीटर बराबर 100 डेका मीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना हुआ तो अब किससे गुणा करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे 1000। तो एक किलोमीटर बराबर कितने मीटर, 1000 मीटर। ये प्रमाणिक इकाई है। प्रमाणिक इकाई में एग्जैक्ट पता चल जाता है कितने गुना है या कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब जैसे हेक्टोमीटर को डेकामीटर में बदलना है तो 10 से गुणा करेंगे, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। ये इसकी प्रमाणिक इकाई हुई। और 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर। जितना खाना आगे जाएंगे उतने जीरो बढ़ाते जाएंगे। और डेकामीटर को यदि मीटर में बदलना हो तो केवल एक खाने आगे है तो मतलब तो दाहिने जाने पर गुणा होगा, लेकिन यदि यही बाएं आया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जैसे हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे बल्कि भाग करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, जैसे 500 मीटर है इसको हमें किलोमीटर में बदलना है तो जब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो अब 1000 से गुणा नहीं करेंगे बल्कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है, जब बाएं आएंगे तो भाग होगा। तो जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 500/1000, अब ये बदल गया किलोमीटर में। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, कितना किलोमीटर हो गया, आधा किलोमीटर। तो 500 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए, 1/2 किलोमीटर, आधा। तो ये प्रमाणिक इकाई है। और मीट्रिक इकाई मतलब होता है सूक्ष्मतम इकाई, है ना, मतलब उस इकाई में संपूर्ण इकाई बताया जाए वो मीट्रिक इकाई होगी। अब उससे भी छोटा ज्ञान यदि बालक को देना है तो उसे हम मीट्रिक इकाई बोलेंगे। इसके बाद मीट्रिक इकाई का प्रयोग करने से बेनिफिट ये होगा कि बालक कंपेयर कराना सीख जाता है, मतलब अब उसको ये अवधारणा फिर से अप्लाई कराने की जरूरत नहीं होगी, ध्यान देना। जैसे मान लिया हमें मीटर से छोटे इकाई का प्रयोग करना हो तो उसे मीट्रिक इकाई बोलेंगे, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर या फिर आ जाए फिर मिलीमीटर। अब मीट्रिक इकाई बताया जाए तो अब बालक उस पार्ट को यहां पर अप्लाई करना सीख जाता है। जैसे अब समझ गया वो कि मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर बराबर हो गया 1000 मिलीमीटर। अब इसी तरीके से आगे भी कन्वर्ट कर लेगा, डेसीमीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो 10 से गुणा, डेसीमीटर को मिलीमीटर बदलना है तो 100 से गुणा, या इसको मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा। तो यहां से यदि बालक को हम मापन बता दें तो बालक भार की अवधारणा खुद ही समझ लेगा। जैसे अब हमें वजन भार में निकालना है, ठोस पदार्थों का वजन निकालना है, तो जहां मीटर है वहां ग्राम कर दे, जैसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम। अब ग्राम से छोटाएंगे तो ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब इसी को हमें मान लिया लिक्विड, तरल पदार्थ है और उसका मापन सिखाना है, तो अब जहां मीटर है वहां लीटर कर दीजिए, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, फिर लीटर, फिर उसके बाद लीटर, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर और फिर मिलीलीटर। तो बालक फिर यहां से अप्लाई करना तथ्यों को सीख लेगा और वो कॉन्सेप्ट को बहुत जल्द पिक कर लेगा, फिर वो जल्दी भूलेगा नहीं। तो ये गणितीकरण की भाषा है। एक अन्य हम पार्ट लेते हैं, तीसरा और अंतिम पार्ट, और इसके साथ ये टॉपिक फिर समाप्त करेंगे। आप पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से मिलान करिएगा, ये सारे पार्ट जो मैं लिखवा रहा हूं आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लिया भिन्न की संकल्पना प्रस्तुत करनी है और मान लिया हमें बालक को बताना है आधा, 1/2 की कॉन्सेप्ट हमें मान लिया बालक को समझाना है, ध्यान देना। भिन्न या मान लिया भिन्न में हमें आधा की अवधारणा बतानी कि आधा किसे कहते हैं, 1/2, और ये अवधारणा सिखानी है, अवधारणा को सिखाने के लिए गणितीकरण की भाषा होगी डैश, या गणितीकरण की भाषा का सही अनुक्रम की भाषा का
सही अनुक्रम क्या हो। अनुक्रम मीन्स होता है सीक्वेंस। जैसे मान लिया हमें कक्षा में भिन्न पढ़ाना है, मान लिया भिन्न में, वो भिन्न में बता रहा हूं कि आधा किसे कहते हैं, 1/2 किसे कहते हैं, ये अवधारणा को सिखाना है, तो इसके लिए गणितीकरण की भाषा का सही अनुक्रम क्या होगा। फिर से आप पहला वही लगाएंगे, साकार वस्तु के साथ, अनुभव कराना, कहानी के माध्यम से, कहानी या भाषा के माध्यम से आधा बताना। जैसे मान लिया मैं भिन्न में आधा पढ़ा रहा हूं, तो आधा पहले बताएं कहानी के माध्यम से, और फिर उसके बाद आधे का चित्र दिखाना, और एक लास्ट होगा आधे का प्रतीक लिखना। हमेशा ध्यान देना प्रतीकात्मक भाषा लास्ट में ही आएगा, आधे का प्रतीक लिखना है ना। चलिए, जैसे मान लिया हमें भिन्न पढ़ाना है, भिन्न सिखाना है, तो इस अवधारणा को हमें विकसित करना है, तो गणितीकरण की भाषा का सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पैमेला लिबेक का, वो सीक्वेंस पैमेला लिबेक ने, मशहूर लेखिका मैंने बताया था, इनकी एक पुस्तक हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, गणित कैसे पढ़ाया जाए, तो गणित कैसे पढ़ाया जाए, इसमें गणित की भाषा को विकसित करने के लिए इन्होंने एक सीक्वेंस दिया था, और इस सीक्वेंस से आप अवगत है, सीक्वेंस था एल्पस सीक्वेंस। और हर अक्षर का अपना सेंस था, ई का सेंस था एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, साकार वस्तु के साथ अनुभव। तो जैसे हमें भिन्न में आधा पढ़ाना है, तो पहले आधा को समझाने के लिए हम कोई साकार वस्तु, फिजिकल ऑब्जेक्ट ले, ताकि बालक उसे देखकर समझ सके। चलिए, जैसे मैंने साकार वस्तु में लिया एक ग्लोब, हमने ये साकार वस्तु में क्या लिया, एक ग्लोब। जैसे कक्षा में एक ग्लोब है, तो उस ग्लोब को हमने बालक को पहले दिखाया, ये एक साकार वस्तु है, ये ग्लोब कैसा वस्तु है, साकार। साकार मतलब बालक इसे देख सकता है, जिसका अपना कुछ आकार है। तो सबसे पहले साकार वस्तुओं के साथ अनुभव कराया जाए। कक्षा में मैं भिन्न पढ़ा रहा हूं, और कक्षा में जो ग्लोब रखा है, पहले मैं बालक को दिखाया कि ये क्या है, तो बालक ने कहा ये एक ग्लोब है। अभी बालक ने उस वस्तु को देखा, अभी आधा सीख नहीं पाया कि आधा किसे कहते हैं, अभी वो कुछ नहीं जानता। अभी मैंने उसे ग्लोब दिखाया है, एक साकार वस्तु। जब साकार वस्तुओं को दिखाएं, तो उसके बाद एक कहानी का प्रयोग करें, एक भाषा, एक ऐसी भाषा बताएं। देखिए, एल का सेंस होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, भाषा जो कि उस अनुभव को व्यक्त करे। तो भाषा का मतलब यहां कहानी से है। अब कहानी या एक ऐसी भाषा बनाए जिसके माध्यम से बालक आधा को सीख सके। देखिए, मैं कहानी क्या बनाया, मैंने कहा जो ग्लोब मैंने बालक को दिखाया, वहां पर देखिए ग्लोब में एक बीच में ये चिन्ह एक होता है जो अक्षांश देशांतर आदि को रिप्रेजेंट करता है, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, हालांकि ये व्यास है, डायमीटर। जो ग्लोब है उसमें ये जो पार्ट एक लगा हुआ है, पहले बालक को उससे दिखाएं, और बालक को कहानी के माध्यम से ये बताएं कि जब कोई वस्तु को दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, तब हम इसे आधा कहते हैं। एक कहानी का प्रयोग करें, उस ग्लोब को हमने दिखाया, और ग्लोब में ये जो यहां पे बीचों बीच एक लाइन थी, उसे मैंने बालक को दिखाया, और बालक से ये कहा कि जब किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, आधा। तो बालक अभी ये समझ सका कि जब किसी वस्तु को दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, तो वो होता है हाफ, 1/2। अब उस आधे का पहले चित्र दिखाएं। जैसे हमने देखे, इस ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में हमने बांटा, और बालक को बताया कि जब किसी वस्तु को दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, तो इसे आधा कहते हैं। अब उस आधे का पहले चित्र दिखाएं। देखिए, यहां पर मैंने ये हाफ आधे का यहां पर चित्र दिखाया, ये क्या है, आधे का चित्र। और उसके बाद जब आधे का चित्र दिखाएं, तो फिर आधा लिखा कैसे जाता है, उसका प्रतीक बताएं। अब इसका प्रतीक क्या होगा, ध्यान देना,
देखिए पहले जो ग्लोब हमने दिखाया था वो एक था, पहले जो हमने ग्लोब उसे दिखाया था वो ग्लोब कितना था? एक, वो एक पूर्ण अंश था। और इसे हर दो हिस्सों में हमने बांटा तो एक में दो भाग हो गया। पहले एक था, ये पूर्ण अंश था, और इसे हमने दो बराबर हिस्सों में बांटा, तो जितने बराबर हिस्सों में बांटा मैंने उसे नीचे रख दिया, मतलब उतना हर दो हिस्सों में बट गया। तो इस तरीके से ये आधा का प्रतीक हुआ। तो भिन्न या आधे की अवधारणा को सिखाना है, विकसित करना है, तो उसकी जो गणितीकरण की भाषा का सही अनुक्रम है ये। अब आप अपने प्रीवियस सेट से प्रश्नों को हल करिए, जो सीक्वेंस सेट करने से प्रश्न बनते हैं उसे ही कहते हैं जोड़ तोड़ की भूमिका। मतलब गणित को हम जोड़ते तोड़ते हुए बताएं तो कैसे बताएंगे, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इस सीक्वेंस को आप देखे रहे। यहाँ पर आप समझ गए, पी सेंस पिक्चर था, तीसरे पर था ये चित्र, और यस सेंस है साइन सिंबल, ये प्रतीक सेंस है। तो एल्पस सीक्वेंस को भी माइंड में रखिएगा, आपका काफ़ी ये हेल्प करेगा। आपका ये टॉपिक समाप्त है, अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।